हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 5.3 के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 5.3 बेस है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी के फार्मूले पर। और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फार्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। और इसी फार्मूले को हम और एक्सपेंड कर सकते हैं कि Sn क्या होता है कि n by 2 इक्वल टू a प्लस l। a क्या है? फर्स्ट टर्म, और l क्या है? लास्ट टर्म। ये हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की चैप्टर की सीरीज की 7वीं क्लास है। इससे पहले की क्लास में हम क्या क्या कर चुके हैं? हम कर चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 5.1 विद एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 5.2 विद एग्जाम्पल। तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 11th एग्जांपल में क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। 22 टर्म्स का मतलब है कि n की क्या वैल्यू है? 22। और एपी की सीरीज, एपी की सीरीज क्या दी हुई है? 8 3 माइनस 2 अप टू सो ऑन। तो यहां से ए की क्या वैल्यू है? 8। ए टू की वैल्यू है 3। तो डी की क्या वैल्यू होगी? ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना है? 3। और ए वन कितना है? 8। तो 3 माइनस 8 माइनस 5। अब एस एन का फार्मूला क्या होता है? एन बाई टू प्लस 2a प्लस एन माइनस 1t। अब n की क्या वैल्यू है? 22। तो 22 अपॉन में 2। और a की क्या वैल्यू है? 8। 2 into 8 प्लस n की क्या वैल्यू है? 22 माइनस 1। और d की क्या वैल्यू है? माइनस 5। तो 2 से 22 कट गया 11 पर, 2 8 जा 16, और 20 प्लस 21 इंटू माइनस के 5। एस 22 की क्या वैल्यू है? 11। और 16 प्लस 21 इंटू माइनस 5, 21 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 16 माइनस ये आएगा 105। और 16 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 89। तो 11 इंटू माइनस के 89, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 जो 99 का 9 कैरी 9, और 11 8 जो 88, और 9 97 माइनस के। तो फर्स्ट 22 टर्म्स का सम कितना आया? माइनस के 979। तो ये था एग्जांपल नंबर 11। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 की एपी की सीरीज की फर्स्ट 14 टर्म्स। तो इसका मतलब है एन की क्या वैल्यू है? 14। और एस 14 कितना दिया हुआ है? 1050। एन की कितनी वैल्यू है? 14। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, कि फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू दी हुई है 10। तो हमें फाइंड करनी है ए 20। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है कि एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d। क्या हुआ? 1050। n की वैल्यू है 14 बाय 2। a की कितनी वैल्यू है? 10। तो 2 इंटू 10 प्लस n की क्या वैल्यू? 14 माइनस 1d की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 1050 27 जा 14, 2 इंटू 10 20 प्लस 14 माइनस 1 13d। 1050 इस साइड नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो 20 प्लस 13d, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 150 इक्वल टू क्या है? 20 प्लस 13d। और तो 13d इक्वल टू क्या है? 150 माइनस 20। तो 13d इक्वल टू 130
तो डी की क्या वैल्यू आई, 130 अपॉन 13, यानी डी की वैल्यू आई 10, डी की वैल्यू आई 10, ए की वैल्यू है 10, तो हमें निकालना है A20, A20 क्या होगा, A प्लस 19 डी, ए की क्या वैल्यू है, ए की कितनी वैल्यू है 10, प्लस 19 डी की क्या वैल्यू है 10, तो 10 प्लस 19 इंटू 10 190, दोनों को ऐड कर देंगे तो A20 की वैल्यू आएगी 200, जो कि हमें निकालने थे। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी की सीरीज क्या दी हुई है 24, 21, 18 अप टू सो ऑन, कि फर्स्ट टर्म है 24, सेकंड टर्म है 21, कहां तक लेकर जाएं हम कि उनका सम कितना आए 78, यानी सिंपल हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो एपी की सीरीज क्या दी हुई 24, 21 अप 18 अप टू सो ऑन, ए की वैल्यू 24, ए टू 21, तो डी की कितनी वैल्यू आई 21 माइनस 24 यानी माइनस 3, और एस एन क्या दिया हुआ है 78, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। एस एन का फार्मूला क्या होगा, एन बाय 2 प्लस 2A प्लस एन माइनस 1 डी। अब एन की कितनी वैल्यू है ये हमें निकालनी है, तो एन बाय 2 एस एन दिया हुआ 78, ए की कितनी वैल्यू है 24, तो 2 इंटू 24 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू है माइनस 3, तो 78, ये इस 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 78, तो यहाँ रह गया एन 24 इंटू 2 48, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 3n प्लस 3, माइनस के थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के वन से तो आएगा प्लस का 3, ये आ गया 156, एन 48 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 51 माइनस 3n, तो सिंपल ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा 156 इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर, इसको एक साइड एडजस्ट करेंगे तो आएगा माइनस के 3n स्क्वायर प्लस 51n माइनस के 156 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा n 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस के 156 इक्वल टू 0, तो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0, अब इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0, अब ये हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से कि इसके फैक्टर बना कि दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिनको ऐड करके हम दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिनको ऐड करके या माइनस करके तो आना चाहिए माइनस के 17 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 52, यानी दोनों नंबर हमें चाहिए माइनस के, उन दोनों को माइनस करके तो आए 17 और मल्टीप्लाई करके आए 52, तो वो दो नंबर हैं माइनस के 39 और माइनस के 4n प्लस 52 इक्वल टू 0, तो इसमें से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 30 और यहाँ 4 कॉमन माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो n माइनस 30 और n माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू आई माइनस n माइनस 13 इक्वल टू 0 यानी 13 एक, और दूसरी आई n माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी n की वैल्यू 4 और 13 जब हम लेंगे तो उनका सम कितना होगा 78, यानी s 13 एंड s 4 इक्वल टू 78। आप चाहें तो ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जब आप n की वैल्यू 13 लेकर करेंगे तो भी 78 आएगा और 4 लेकर करेंगे तो भी 78 आएगा। एग्जांपल नंबर 14 में क्या है कि फाइंड द सम ऑफ
इसके दो पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में हमें क्या करना है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है कि 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन 1000, यानी हमें 1000 तक पॉजिटिव इंटीजर का सम फाइंड करना है। तो ए की क्या वैल्यू है, 1, और ए टू की वैल्यू है 2, तो यहाँ से डी की वैल्यू आएगी 2 - 1 यानी 1। एस एन का फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 डी। एन कितना है 1000 अपॉन 2। ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1000, एन की क्या वैल्यू है 1000 - 1, डी की वैल्यू है 1। 2 से 1000 कट गया 500 पर, अंदर रह गया 2 + 999। 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 999, और 5000 को इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 1001, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5,500। तो ये है सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सेम है सेकंड पार्ट कि हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स में। एन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है कि 1, 2, 3 अप टू एन। कि यहाँ सम, यहाँ लास्ट टर्म क्या थी 1000, और यहाँ क्या है एन। तो आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट वो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं कि n/SN = n/2a + n, मीनिंग दोनों का सेम है। अब इसमें a की क्या वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 2, और d की वैल्यू है 2 - 1 यानी 1, और l यानी लास्ट टर्म की कितनी वैल्यू है n। तो SN क्या आएगा n/2a + n। एन कितना है, एन ही है 2, और ए की क्या वैल्यू है 1, और लास्ट टर्म की क्या वैल्यू है एन। तो ये आया n/2 = n+1 या 1+। ये था एग्जांपल नंबर 14। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 की फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स। कि एन की क्या वैल्यू है 24, whose nth term is given by an = 3 + 2। कि हमें s 24 निकालना है, यानी सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ ap निकालना है। और तो n की क्या वैल्यू हुई 24, और an क्या दिया हुआ है 3 + 2n, और n की क्या वैल्यू है 24। अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो एवन क्या होगा 3 + n की जगह 2 पुट कर देंगे तो एवन होगा 3 + 2 = 5, और ए टू 3 + n की जगह 2 पुट कर देंगे तो ए टू 2 2 = 4, 3 + 4 = 7। डी की क्या वैल्यू आई a2 - a1 यानी 7 - 5 = 2। अब हमें फाइंड क्या करना है s 24, और उसका फार्मूला क्या होता है n/2 2a, कितना है 5 प्लस n कितना है 24 - 1, d की क्या वैल्यू है 2। तो 2 से 24 कट गया 12 पर, तो 2 5 = 10 प्लस 23 × 2, s 24 की क्या वैल्यू आई 12, 10 + 23 × 2 = 46, और 10 + 46 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 56, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 672। तो फर्स्ट 24 टर्म्स का सम कितना आया 672। और अब करते हैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। कि थर्ड ईयर में वो
600 sets प्रोड्यूस करता है एंड 700 sets इन द 7 years, और 7th ईयर में कितने करता है 700. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. Fixed number every year का मतलब है कि difference क्या है, common है, तो ये क्या है, arithmetic progression. और 600 sets का मतलब है third year में कि यानी A3 के क्या value, यानी third term की क्या value है 600, और 700 यानी 7th year, तो A7 की क्या value है 7 year, यानी A7 की क्या वैल्यू है 700. तो सबसे पहला पार्ट हमें क्या करना है कि प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, यानी हमें सबसे पहले पहले पार्ट में A की वैल्यू निकालना है. हमें गिवन क्या है कि A3 कितना है 600 और A7 कितना है 700, और A3 का मतलब है A+2D=600 और A+6D=700. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, अब कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या साइन चेंज हो जाएंगे. तो ए से ए कट, 2D-6D तो माइनस के 4D, और 600-700 यानी माइनस के 100, माइनस से माइनस कट, तो 4D = क्या है 100. डी की क्या वैल्यू आई 100/4, यानी डी की वैल्यू आई 25. अब ये डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, उससे ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व. तो हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में A+2D=600, डी की जगह 25, 600 तो A+50=600, तो A की क्या वैल्यू है 600-50, 550. तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर क्या है, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर कितना है 550 सेट्स. अब है सेकंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, यानी हमें सिंपल क्या है A10 की वैल्यू निकालनी है. तो A10 क्या होता है A+90, A की क्या वैल्यू है 550 और D की वैल्यू है 25. तो A10 550+9 × 25 225, तो A10 की कितनी वैल्यू हुई 775, यानी प्रोडक्शन इन टेंथ ईयर कितना है 775 सेट्स. अब इसका लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट में हमें क्या करना है टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, यानी टोटल प्रोडक्शन. यहाँ इन दो पार्ट में क्या था सर, प्रोडक्शन बताना था, और इसमें टोटल प्रोडक्शन. इसका मतलब है कि हमें फर्स्ट 7 ईयर्स यानी S7 की वैल्यू निकालनी है, और S7 का फार्मूला क्या होगा 7/n/2 2a, a की क्या वैल्यू है 550+(n-7-1), d की वैल्यू है 25. तो S7 आया 7/2, 550 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100, और 7-1 6 × 25 7/2 1100+150, यानी 7/2 ये आया 1250. तो ये कट गया 625 पर, और 625 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 4375. यानी लास्ट टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स कितना आया, S7 की क्या वैल्यू आई थी 4375 सेट.
तो यहाँ पर ये एक्स टाइम फाइव और थ्री के एग्जाम्पल्स की क्लास फिनिश हो जाती है। ये क्लास बेस्ड थी सम ऑफ एंट्रेंस ऑफ एन एपी के फार्मूले पर। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपके समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3।